अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे दोस्तों। कल मेरी हो रही है कोलोनोस्कोपी, तो फास्टिंग शुरू हो रही है। अब 11 बजे खाना खा रहा हूँ, 11:15 बजे, और कल 10 बजे है, तो कल से बंद, 12 बजे के बाद से खाना पीना बंद। तो देखते हैं क्या ये है। लौकी ये साला ना कोई, ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ। 11वां रोज़ा शुरू हो गया है, मगफिरत का पहला, अशरे का पहला रोज़ा है। वो इतने दिनों से बीमार था व्लॉग, इसलिए नहीं आ रहे थे। और कल होनी है कोलोनोस्कोपी। एक तो इंडोस्कोपी होती है, कैमरा अंदर जाता है, और एक होती है कोलोनोस्कोपी, वो पखाने के रास्ते से अंदर जाता है, अंदर का मुआयना करता है। तो लेट सी कल क्या होता है, तो साथ रहिएगा। इसमें डालते हैं दही, थोड़ा सा ये सारा डालना है। ये भी है दूसरा दही। इसमें डालते हैं प्याज और खीरा, इससे तो मज़ा दुबाला हो जाता है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वअला बरकतिल्लाह। या वासियल मग़फ़िरा, एक निवाला खाने के बाद ये पढ़ते हैं या वासियल मग़फ़िरा, और खाने खाने से पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। खाने को आराम आराम से चबा चबा कर खाएं, और लाल आटा इस्तेमाल करें, उसकी रोटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये मल्टी ग्रेन आटा जो कहलाता है। इसमें लगा हुआ है दही, तो इसको हम साफ करेंगे रोटी से। किसी को एक एक चीज़ का, एक एक दाने का, एक एक ज़र्रे बराबर का हिसाब होना है, तो ख्याल करें इस बात का। कुछ भी खाने पीने में नहीं छोड़ें, जितना निकालें, जितना खा सकें उतना ही निकाल के खाएं। खाया करें, लौकी में शिफा है, और नबी पाक को हमारे बहुत पसंद थी, और जितनी हरी सब्जियां हैं वो सारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। ये पानी है ना, तो ये आप पिया करें, खाने से पहले पी लें या खाने के दरमियान, वो भी थोड़ा सा, खाने के आखिर में बिल्कुल नहीं पिए। मैं बिल्कुल भी नहीं सुनता था, मेरे वालिद वालदा घर वाले मना करते थे कि खाने के आखिर में नहीं पियो पानी, तो हमें नहीं पीना चाहिए। ख्याल करें इस बात का, और इस्लाम भी यही कहता है। दही साफ़ करते हैं, अब ये साफ करना, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन। उंगली से साफ कर लो। अभी हाथ में मोबाइल है, साफ़ करके दिखाता हूँ आप। ये देखें भाई, प्लेट भी बिल्कुल साफ़, और ये प्लास्टिक बाउल भी बिल्कुल साफ़। हर एक एक चीज़ का भाई हिसाब देना है, तो इस बात का ख्याल रखें। खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। खाने के बाद की दुआ ये, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो दोस्तों 12 बजने में 10 मिनट हैं, और खाना अल्लाह का शुक्र ख़त्म हो गया है, अब बर्तन धोने की बारी है। कभी नहीं शर्माए हाथ से खाने में ना, कहीं भले इवेंट हो, महफिल हो,
मैं भी बहुत पहले जब नए नए जवान हुए थे तो शर्माता था, लेकिन अब हाथ से ही खाता हूँ। ये चम्मच वम्मच तो ये ज़्यादा है, या वो दोनों सारा ही हाथ से खाएं। मैं जूस रखता हूँ फ्रिज में, इम्तियाज से मंगवाया था, क्योंकि भाई खाना तो बंद है, सब खाली जूस पानी पी सकता हूँ बस, और कुछ नहीं। दूध भी नहीं, यखनी बोला है, यखनी पी लो। और सॉल्यूशन होता है जो पेट साफ करने के लिए, सारे मोशन के थ्रू निकलेगा, कभी सुबह ही पीना हो और टेबलेट खानी है। वो बड़ा मुश्किल मरहला है, 12 भी बजे और 10 बजे होगी यार, कल अल्लाह बेहतर करेगा। मंगवाया था जूस के साथ वो आ रहे, ये पी सकते हैं बस। इसको रखते हैं ठंडा करने, इसको पीछे लगा देता ताकि चिल्ड हो जाए। ऊपर दूसरी तरफ था भाई अमजे जी के, ये खजूर आई है ईरान से, तो ये खा लेते हैं भाई 12 बजने से पहले पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ताकत होती है खजूर में भाई। ईरानी खजूर एक साथ ही लेकर आए। यह है खजूर की गुठली, और इसके ऊपर जो ये छिलका होता है ये कहलाता है कितमीर। तो इसको पैदा करने वाली अंदर ज़ात भी खुदावंद अल्लाह की है, तो हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, ज़र्रा बराबर भी नहीं है, तो हम किस बात पे अकड़ते हैं, फ़ख्र करते हैं। जो हो गया था जॉइंटिस, जॉइंटिस मेरा बिगड़ गया, वो चला गया 33% पे, बिलिरुबिन होती है, और SGPT बहुत बढ़ गया था, बहुत केस ख़राब हो गया था, तो वो बिगड़ के हेपेटाइटिस बन गया था। अभी भी आंखें मेरी पीली नज़र आ रही होंगी, क्योंकि अभी भी है मौजूद। तो दुआ करें अल्लाह से शिफा मिले। और 2 साल से मुझे पेट का मसला चल रहा था, इसलिए कोलोनोस्कोपी कर लें, दुआ करें। मैं इसलिए हर व्लॉग में, हर वीडियो में बोलता था आपसे, मैं शिफा की दुआ करें मेरे लिए भी, और ख़ास तौर पर जो हॉस्पिटलाइज है उनके लिए भी। डॉक्टर कहते हैं कि इस हालत में तो बंदा बलूत भी में चला जाता है, आप तो माशाल्लाह इस हालत में कैसे होश में हो, समझ से बाहर है, अल्लाह का करम है ये तो आप पर। और जॉइंट्स जो इतना बिगड़ा था कि आंखें पूरी डार्क येलो हो रही थी। ऐसी कंडीशन थी कि खाया भी नहीं जा रहा था, खाया तो दूर, पिया भी नहीं जा रहा था। ऐसी कंडीशन, ऐसी घबराहट मतली। तो मैं पहली बार अपने होश हवास में, जहाँ तक मुझे याद है, जब 8 साल पहले मुझे हुआ था यही पेट का मसला, जब से अब तक पहली बार मुझे याद है, अभी मैं रो पड़ा, बस ना उम्मीद हो गया कि ये अल्लाह मेरे साथ ही हूँ। तो फिर मैं पिछले पाँच साल पहले गया बैक में, फारूक आजम मस्जिद है नौबत नाजमाबाद में, बहुत बड़ी जामा मस्जिद, उधर के इमाम साहब से मैंने डिस्कस की, तो वो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, ये अल्लाह ऐसे बंदों को बहुत पसंद करता है जिनको वो बीमार रखता है हर वक्त, जिनको बीमारी तकलीफ में रखता है। तो वो कहता है, वो कह रहे थे वक्ती तौर की ये खाली आजमाइश है, इसको हंस खेल के खुशी से शुक्र करके गुजारो, अल्लाह की दी हुई नेमत है बीमारी में। तो बस क्या बोलूँ मैं, अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, लोग जलने वाले जलते हैं, बस अल्लाह नज़र बद से बचाए सबको, और बुरी नज़र वालों से अपना ही जलते हैं। तो बहुत मुश्किल से भाई खड़ा होना पड़ता है, मतलब पैरों में जान नहीं है,
और घुटनों में इतना दर्द है। वैसे ही पिछले रमज़ान से एक घुटने में तो बहुत ही तकलीफ हो गई थी, एतिकाफ तोड़ के मैं आ गया था। ओ भाई अल्लाह बेहतर करे। कल भी यार एंडोस्कोपी मेरी हुई थी 1 साल पहले, जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर आया था मुझे, तो बड़े मामला चलते रहते मेरे साथ। बस दुआ करें आप लोग, दुआएं चाहिए आप लोग उनकी, और कुछ नहीं चाहिए बस। जैसे पहले एक बात और, के लोग मुझसे कंपेयर करते हैं कि लोगों को ज़रा सा बुखार हो जाता है वो पहाड़ सर पे उठा लेते हैं, तो मेरी जो जो हालत थी, जो बुखार था वो तर ही नहीं रहा था। सर्दी इस गर्मी के मौसम में डबल डबल कंबल डाले हुए थे, जब भी ठंड नहीं रुक रही थी मेरी, तो मुझसे कंपेयर करते हैं 50 साल के बुढ़े बुढ़े लोग। बस समझ गए होंगे देखने वाले। तो भाई अपने आप को देखो, अब कब्र में टांगे लटक रही हैं तुम लोगों की। मेरा तो 8-10 साल की उम्र में मैदा जल गया था पूरा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है ना, जो अभी आधी उम्र गुजर गई मेरी, ये भी अल्लाह गुजार देगा है। साथ खैरियत से बस दुआ किया करो कि अल्लाह किसी को अज़ियत ना मौत ना दे। तुम लोग गुरू कर तो फख्र कर तो इंसान बन जाओ इंसान। फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी सब सो चुके हैं, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। 12:10 हो रहे हैं, तो थोड़ा स्क्रॉलिंग वगैरह करेंगे फिर सो जाएंगे। कल मिलते हैं।